अंदर आई तब सिद्धू और चीची छीछी छीछी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे बाबा, they just hugged each other. और तुमने सबको चला लिया. How dumb, Simran. काजल, तो फिर मैं क्या करूं? I told you ना, मैंने सिद्धू से कहा है love is trust. मगर इस तरह ट्रस्टी बनी रही ना तो तुम्हारा मैरिज का ट्रस्ट लुट जाएगा. सारे मर्द और कौवे एक जैसे होते हैं. मैं अपने दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगा दूं, चीची एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड. अरे तुम अपने घर के बाहर बोर्ड लगाओगी तो तुम्हारा डॉग सिद्धू वहाँ चला जाएगा तो तुम क्या करोगी? ये भी तो है, तो फिर मैं क्या करूँ काजल? थोड़ी सी दिमाग की चक्की चलाओ. वही करो जो मैंने मेरे डॉग राहुल का किया. तुम्हारी तरह अच्छा, बोलो कैसे? अरे तुम सिद्धू और चीची के साथ ऐसा बिहेव करो जैसे कि यू आर लीस्ट अफेक्टेड बाय देयर फ्रेंडशिप. तुम चीची के नजदीक जाने की कोशिश करो, उसके मन में घुसो, ये जानने की कोशिश करो कि चीची के मन में सचमुच चीची है या नहीं. फिर क्या, इतना तो करो. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सिमरन. ओके बाय, टेक केयर. ओके बाय. ये अच्छा है, मन में घुसो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. यानी कि चीची के मन में घुसने के लिए मुझे शुगर से भी ज्यादा स्वीट होना पड़ेगा. ऑल राइट, चीची की बच्ची, तुझे तो मैं डायबिटीज से मारूंगी. यस, कौन आ गया है ये? हाय हाय चीची, स्वीट हार्ट, हनी बंच, तुम सिद्धू से मिलने आई हो? सॉरी हनी, सिद्धू तो इस वक्त बाहर गए हैं, लेकिन जैसे वापस आते हैं मैं तुम्हारे घर में भेज देती हूँ फ्रेंड्स फ्रेंड्स खेलने के लिए. सिमरन, मुझे तुमसे काम है, सिद्धू से नहीं. ओह माय गॉड, मुझसे काम है? देन व्हाई यू स्टैंडिंग? प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट. ओह माय गॉड, यू लुक सो लवली. नाउ टेल मी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? थोड़ी सी शुगर मिलेगी प्लीज? शुगर? अब थोड़ी सी शुगर क्यों, पूरा शुगर का डब्बा लेके जाओ ना, इट्स ऑल योर्स. यू नो वो वॉशिंग मशीन और वो फ्रिज और ये टीवी और वो प्लांट, सब कुछ तुम्हारा ही तो है. नहीं नहीं, मुझे बस शक्कर चाहिए थोड़ी सी कॉफी के लिए प्लीज. कॉफी? यू मीन टू से तुम कॉफी खुद बनाती हो? हाउ सैड. इसमें सैड क्या है, मैं तो अपना खाना भी खुद बनाती हूँ. Oh my God, that means you need a husband desperately. Husband? इसका मतलब तुम्हारा खाना और तुम्हारी कॉफी सिद्धू बनाता है? काश मेरा भी हस्बैंड सिद्धू. जैसा हो. जानती हूँ छिपकली, तेरे डोरे मेरे सिद्धू बने. कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा. वेल, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ स्वीट हार्ट. यू जस्ट रिलैक्स, फील इट होम. थैंक यू. इसकी अंडरस्टैंडिंग तो वाकई बढ़ गई है, यानी कि मैं सिद्धू से शर्त हार जाऊंगी. ओ नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा. आखिर ये नई दिल्ली की इज्जत का सवाल है. जस्ट वेट एंड सी. सिमरन, ये पुरानी दिल्ली की इज्जत का सवाल है. यस, इसीलिए पुरानी दिल्ली के नाम पे दो चम्मच शक्कर. हाँ चीची, अपने आप को फायर ब्रांड समझती है ना, लेकिन तूने अभी तक मेरा फायर नहीं देखा, इसीलिए मेरे नाम पे ये ले और दो चम्मच. अरे चीची की बच्ची, तू मेरे सीधे साधे सिद्धू पर डोरे डाल रही है, उससे आंखें चार कर रही है, इसीलिए ये ले सिद्धू के नाम पे और दो चम्मच. अब आएगा ना मजा. चीची डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हियर आई कम. यस चीची माय स्वीट हार्ट, सॉरी टू कीप यू वेटिंग. गर्मा गर्म कॉफी. थैंक यू डार्लिंग. पियो पियो. कैसी है? अच्छी. लोहा गरम है, हथौड़ा मार लेती हूँ. वैसे तुम्हारा कोई हथौड़ा है? हथौड़ा? नो नो, आई मीन टू से कि बॉयफ्रेंड है. ओह ऑफ कोर्स है ना, टॉल डार्क एंड हैंडसम, बहुत अच्छा है रियली. अच्छा, यानी कि मेरे सिद्धू जैसा बिल्कुल नहीं है? ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है, सिद्धू से बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा. अच्छा, यानी कि वो तुम्हें सिद्धू से भी ज्यादा अच्छा लगता है. वेरी गुड, वेरी गुड चीची. तो फिर कब शादी कर रही हो? शादी करना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उसे प्रपोज ही नहीं किया. प्रपोज कर डालो ना. मगर मगर गया पानी में. सोचो मत,
चीची सोचो मत, ज्यादा सोचोगी ना तो जिंदगी भर सोचती रहोगी। मैं तो कहती हूँ प्रपोज कर ही डालो। यू राइट। प्यो प्यो। चीची चीची नो चीची, देखो किसी को भी प्रपोज करने से पहले तुम्हें उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता है? वैसे तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी शराब पी लेता है। What? शराब? फ्रस्ट्रेशन सिद्धू, जब भी वो रेस हार के आता है वो और घोड़ा दोनों बहुत पीते हैं। मतलब गधा जो है वो घोड़े पर दाव लगाता है। चीची चीची, तुमने ऐसे शराबी जुआरी को कैसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? तुम जैसा क्यूट हैंडसम स्मार्ट कोई मिला ही नहीं ना, इसलिए। एक मिनट चीची, एक मिनट। एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हें सच सच ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्यूट और बहुत हैंडसम हूँ? ओ ये सिद्धू, तुम्हारी कसम। अच्छा जी, नहीं प्लीज, तुम मेरी कसम मत खाओ। वो क्या है ना कि अगर तुम्हारा जजमेंट गलत हो गया तो मैं तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। नहीं लेकिन सचमुच तुम बहुत क्यूट और बहुत हैंडसम हो। हाँ लेकिन ये सिमरन को आजकल ऐसा क्यों नहीं लगता है? वो तो मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे मैं अछूत हूँ। This happens only in India. अब तुम आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा अब मैं चलूं। हाँ ओके बाय। बाय चीची बाय। क्या चीची का बॉयफ्रेंड है? वाओ दैट्स एक्सीलेंट, मतलब स्टेप वन कामयाब हुआ। हाँ लेकिन आगे क्या करना है? स्टेप टू, देखो तुम चीची के करीब तो आ ही गई, अब चीची को उसके बॉयफ्रेंड के करीब लाना है। लेकिन इससे क्या होगा? अरे अगर वो चीची अपने बॉयफ्रेंड के साथ इलू इलू करने में बिजी हो गई तो वो सिद्धू जैसे बुद्धू से तो दूर ही हो जाएगी ना। क्या आइडिया है, रोज कद्दू खाती हो क्या? हाँ थोड़ी मिट्टी मिला के। अभी ध्यान से सुन कि तुझे क्या करना है। आज रात को तू उस चीची को डिनर पे बुला ले। डिनर पे? लेकिन बुद्धू सिद्धू होगा ना तब। हाँ अब सुन तुझे क्या करना है। हाँ सुनाओ। तुम डिनर ऐसा बनाना कि वो चीची अपनी फ्रेंच फ्राई जैसी उंगलियां चबा डाले। वाह काजल वाह, कद्दू और मिट्टी खाकर क्या आइडिया आते हैं। अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो गया ना तो मैं जिंदगी भर कद्दू और मिट्टी खाऊंगी और शांति कहूंगी मेरा पति से। नहीं नहीं रियो, खाओ ना प्लीज। थैंक यू। और ये रहा तुम्हारा फेवरेट डिश, पालक पनीर विद लुंगफुंग चाओ चाओ फॉर चीची। पालक पनीर विद लुंगफुंग चाओ चाओ? सिमरन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं जरूरत थी भाई, आखिर तुम मेरे सिद्ध बुद्धू की अच्छी दोस्त जो हो और तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। क्यों? That's really sweet of you. देखा कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों में। अरे हाँ चीची, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहिए था? बॉयफ्रेंड? हाँ ओह हाँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई, चीची का एक बॉयफ्रेंड है जिसे वो तुमसे भी ज्यादा पसंद करती है, राइट? नो नो नो, चीची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्या इसका मतलब तुम्हें चीची के बॉयफ्रेंड के बारे में पता है? अरे अच्छी तरह से जान गया हूं मैं उस लपौड़िए को, एक नंबर का फ्रॉड है वो। लेकिन चीची तो कह रही थी कि। चीची बिचारी अभी नादान है, बच्ची है, उसे अपने भले बुरे की फिक्र कहाँ है? यानी कि चीची का भला बुरा तुम ही सोचने लगे। लेकिन चीची उसे पसंद करती है और मैं उन दोनों को मिलवा कर ही रहूंगी। और मैं चीची को उससे कभी मिलने नहीं दूंगा और ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज? हाँ काजल, उसने मुझे चैलेंज दिया है। इसका मतलब खोट चीची के दिल में नहीं, खोट सिद्धू के दिल में है। वो कैसे? सीधी सी बात है सिमरन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर खोट चीची के दिल में होती तो शी वुड नेवर टेल सिद्धू अबाउट हर बॉयफ्रेंड। यू आर राइट काजल, यानी कि सिद्धू अगर सीधा होता तो वो चीची को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने से रोकता नहीं। That means मेरा सिद्धू बुद्धू ही। ओहो, रोने से कुछ नहीं होगा सिमरन, तुम्हें ईंट का जवाब पर्वत से देना होगा, गुल्ली का जवाब तोप से देना होगा, बल्ब का जवाब ट्यूबलाइट से देना होगा। मतलब चीची को उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलाकर दिखा दो। वो कैसे? अब इतना तो तुम सोचो, पति तुम्हारा, प्रॉब्लम तुम्हारी और सब कुछ मैं ही सोचूं। ओके बाय। ठीक है काजल,
अब मैं ही सोचती हूँ, लेकिन क्या सोचूं, क्या सोचूं? क्यों सिमरन आंटी, क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ सैटेलाइट की, क्या सोचूं? ओ, तो आप भी मेरी तरह डेली सोप देख देख कर कंफ्यूज हो गई है? डेली सोप? हाँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। इसकी बीवी का उसकी बीवी के साथ लफड़ा, उसकी बीवी का इसकी बीवी के साथ लफड़ा, पॉस का सेक्रेटरी के साथ, पॉस की बीवी का प्यून के साथ, प्यून की बीवी का रिक्शा वाले के साथ, रिक्शा वाले की बीवी का पान वाले के साथ, और पान वाले की बीवी बेचारी बैठ के रो रही है। और इतने सारे ट्रैक्स होते हैं ना, अगर आप इनमें से सबके ट्रैक्स देखने जाओ तो मालूम ही नहीं पड़ता, आप पागल हो जाओगे। अब आप ही बताओ सिमरन आंटी, ऐसा भी कभी होता है? ऐसा भी होता है सैटेलाइट, होता है। ये मैं ही महसूस कर सकती हूँ कि उस पान वाले की बीवी पर क्या गुजर रही होगी। पति की बेवफाई से औरत पर क्या गुजरती है ये मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है भला। ओ नो, मतलब सिद्धू अंकल का पान वाले की बीवी के साथ? नहीं सैटेलाइट, पान वाले की बीवी के साथ नहीं। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं। हाँ, ये सिद्धू अंकल का ना उस चीची की बच्ची के साथ डेली सॉप चालू है। ओ नो, मैंने सिद्धू अंकल से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। I thought they are just good friends. Me too. दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। वैसे सिमरन आंटी, आप संभालना हाँ, कहीं आपका भी हाल उस पान वाले की बीवी जैसा ना हो जाए। क्यों क्यों, क्या हाल हुआ था उसका? मर्डर, मर्डर। वैसे अब मैं चलता हूँ, मुझसे आपकी ट्रेजेडी देखी नहीं जाती। मैं चाहता हूँ और कोई सेंसलेस लाफ्टर ट्रैक वाली कॉमेडी देखता हूँ। मैं भी रो पड़ूंगा। क्या हुआ सैटेलाइट? ऑल सेट आंटी, जिसकी उम्मीद थी वही हो रहा है। ट्रैक एकदम सही चल रहा है। आग लग चुकी है, अब बस थोड़ा सा पेट्रोल और छिड़कने की देर है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, पूरा का पूरा पेट्रोल बम फोड़ कर आऊंगी। तुम्हारी फीस और दो पे चैनल ऐड करता हूँ। ओके आंटी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिमरन, सिमरन, सिमरन। चीची स्वीटहार्ट, तुम रो रही हो? अरे रोना तो मुझे चाहिए। क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। सिमरन, हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है ना सिटी छोड़ के जा रहा है। यानी कि अब मेरी छुट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि इससे पहले कि वो सिटी छोड़कर जाए तुम उसे प्रपोज कर दो। मगर उसने मना कर दिया तो? मना कर दिया तो? चीची तुम एक मिनट के लिए बैठो, मैं एक मिनट में आती हूँ। ओके, अगर ना बोला ना तो बंदूक उसके सर पे रखकर शादी करवा दूंगी वहीं पर। कहाँ एड्रेस? यस, चीची। चीची स्वीटहार्ट, तुम ये ड्रेस पहन के जाना, वो तुम्हें हाँ कर देगा। यू नो, ये ड्रेस मैंने तब पहना था जब मैं सिद्धू को प्रपोज करने के लिए गई थी। Really? हाँ। तब तो मैं यही पहनूंगी। ओके, और हाँ, तुम उसे उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट यू नो देना, क्योंकि क्या है ना आजकल फैशन में है। क्या हुआ सिमरन? हाँ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरी सैलरी नहीं आई ना, अभी नया नया जॉब लगा, एडवांस कैसे मांगू? सिमरन, एडवांस कैसे मांगू पैसे? चीची तुम एक मिनट के लिए फिर से बैठो। हाँ, मैं एक मिनट में फिर से आती हूँ। क्या और क्या सिमरन, सुहाग के सामने पैसे की अहमियत है ही क्या? पैसे दे ही डालो। यस, पैसे। चीची, चीची स्वीटहार्ट, चीची ये लो पैसे गिफ्ट के लिए। हाउ स्वीट ऑफ यू, लेकिन होटल में ले जाने के लिए तो कम पड़ेंगे। अच्छा जाने दो, मैं उसे तुम्हारे घर ही ले आऊंगी। मेरे घर? नहीं नहीं नहीं, वो क्या ना सिद्धू होगा तो पूरी की पूरी बाजी पलट जाएगी। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करो तुम मतलब कि और पैसे लो, ये लो ये लो ये लो, और ये ऐसा करो चिल्लर भी रख लो ये होटल के लिए, यू नो एक उसे उसे एक 10-star और 12-star होटल में ले जाना। इम्प्रेशन, मैं उसे आज ही हॉलीडे आउट में बुलाऊंगी 6 बजे। वाह, नहीं नहीं नहीं, हा? ये मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाऊंगी, जाने दो। अरे तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मॉरल सपोर्ट के लिए। ओह हाउ स्वीट सिमरन यू डार्लिंग, अब मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय, बी केयरफुल, हैप्पी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग? अब मैं इसे क्या बताऊं
कि ये सब कुछ मैंने अपना सुहाग बचाने के लिए करा है। मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है और तुम्हारे चैलेंज का जवाब तुम्हें मिलेगा, यानी कि मैं आज शाम को ठीक 6 बजे हॉलिडे आउट पहुंच जाऊंगी अपनी सातन को अपनी जिंदगी से आउट करने के लिए। अरे यार ये सिमरन पता नहीं कहां चली जाती है। सिद्धू मैं होटल हॉलिडे आउट जा रही हूं तुम्हारे चैलेंज का जवाब देने, चीची और उसके बॉयफ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए मिलवाने। सिमरन इसका बचपना अभी तक गया नहीं है, पता नहीं ये लड़की मेरे बारे में इतना इनसिक्योर क्यों फील करती है। करेगी क्यों नहीं, तुम हो ही इतने क्यूट एंड लवेबल। चीची तुम यहां और वो भी सिमरन की ड्रेस में, लेकिन तुम तो हॉलिडे आउट गई थी ना सिमरन को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने। बॉयफ्रेंड तो मेरा एक ही है सिद्धू, और वो हो तुम। I love you, darling. I love you. चीची प्लीज प्लीज, देखो तुम्हें तो पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ। सिमरन जल्दी आ जाओ। और सिद्धू तुम इस रिजिड उस नैरो माइंडेड लड़की से शादी कैसे कर सकते हो सिद्धू? चीची प्लीज देखो देखो क्या है कि सिमरन नैरो माइंडेड नहीं है, वो तो पजेसिव है जो हर बीवी अपने पति के लिए होती है और होना भी चाहिए ना। दैट इज लव चीची एंड आई लव माय वाइफ वेरी मच। आई एम सॉरी चीची, देखो मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सकता हूँ, बस दैट्स ऑल। चीची प्लीज और मैं पिछले 1.5 घंटे से वो हॉलिडे आउट के आउटडोर के इन में तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी सिमरन, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे ही सिद्धू को मालूम चला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। व्हाट व्हाट सिमरन, नो सिमरन नो, डोंट टच मी। सिमरन ये लड़की झूठ बोल रही है। देखो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रही है उसका फैसला आज होके ही रहेगा। सिद्धू बताओ बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में तुम हो सिमरन, इसीलिए ये प्रपोजल कार्ड मुझे दिया। सिमरन सिमरन ये झूठ बोल रही है, ये कार्ड तो इसने मुझे दिया था, देखो ना देखो तुम। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। टू माय डियर डियरर डियरर चीची फ्रॉम डार्लिंग सिद्धू। सिमरन सिमरन प्लीज, आई एम सो सॉरी सिमरन, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाय बेबी। चीची 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 प्लीज मेरी बात सुनो। ओ सिमरन 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 प्लीज, सिमरन सिमरन प्लीज, सिमरन प्लीज मुझे एक रन तो लेने दो यार। आई मीन टू से मेरी बात तो सुनो तुम, मुझसे बात मत करो तुम। सिमरन प्लीज मेरी बात सुनो, देखो ये सब चीची की चाल है, तुम ये कार्ड देखो ना प्लीज। जिसके लिए तुमने ये कार्ड लिखा है ना, जाके उसी को दिखाओ, समझे? मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने वाली। सिमरन 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 प्लीज मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, देखो तो सही है ये कार्ड देखो ना। अरे यार मेरी हैंडराइटिंग इतनी घटिया हो सकती है? इतना घटिया हैंडराइटिंग में लिखता हूँ मैं, देखो ना प्लीज एक बार देखो तो सही ध्यान से। ओह माय गॉड, ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी सच में नहीं है सिद्धू, तो फिर ये कार्ड? अरे ये कार्ड मुझे चीची ने दिया था। चीची ने? हाँ। क्यों? अरे क्योंकि क्योंकि उसने मुझसे शर्त लगाई थी, वो ये साबित करना चाहती है कि तुम उससे जेलस हो। ओह माय गॉड, और सिद्धू मैं समझती रही कि सिद्धू For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.